स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट, स्टोरी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पर मैं बस ऐसे ही बता रहा था कि पढ़ाई लिखाई होने से बस केवल आपके पास डिग्री आती है, आपके पास नॉलेज आती है, बिहेवियर, तमीज और तहजीब और अदब उसको सीखने के लिए आपको विनम्र बनना पड़ता है, वैसा। व्यूज ऑन न्यूट्रिनो स्टेटमेंट्स, अरे मैंने नहीं देखा रे बाबा। देखो मुझे सीओडीएम की उनकी लाइनअप बहुत पसंद है, तो अगर उसने मेरे बारे में कुछ गलत भी बोला है तो रहने दो, ठीक है। वही तो एक लाइनअप है जो मुझे पसंद आई थी और उसी लाइनअप की तारीफ मैंने बहुत ज्यादा अपने ट्विटर पे करी थी, तो अगर उसने मेरे बारे में कुछ गलत भी बोला है तो रहने दो, नहीं सुनना मेरे को, क्योंकि वो लाइनअप अच्छी में एक्चुअली में अच्छी है, अच्छा खेलते हैं वो लोग, तो बात की वजह से गेम प्ले नहीं खराब होना चाहिए, वैसा सीन है। कुछ नहीं बोला है, अरे मैं वही कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है, पर अगर कुछ भी हो तो मत बोलो उस चीज़ के बारे में, पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, अच्छा खेलते हैं यार वो लोग, अच्छी लाइनअप है, अच्छा चल रहा है। नॉट यू हिड इनडायरेक्टली मेंट द स्क्रिप्ट ऑफ ओजी। देखो यार स्क्रिप्ट वगैरह तुम लोग को कितनी बार मैं बोल चुका हूँ भाई, तुम लोग यार कब सोशल मीडिया समझोगे मेरे को समझ नहीं आता, कब समझोगे? तुम ये सोचो कि उस पॉडकास्ट में गॉडलाइक थी भी नहीं, ठीक है, पर उनका कितना पीआर हुआ, हर कोई गॉडलाइक के बारे में बात कर रहा है, जो नहीं भी देख रहा है वो भी ये सारी चीजें सुन के वापस से वो पॉडकास्ट देखने के लिए जा रहा है, तो ना होते हुए भी अगर उनकी इतनी बात हो रही है, फ्री का पीआर मिल रहा है, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? तुम लोग एक और एंगल देखो कि अगर ये सारे एक साथ आपस में मिले हों और उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई हो कि इसमें हम गॉडलाइक को ट्रोल करेंगे, हमारे भी व्यूज आएंगे, आपके भी व्यूज आएंगे, सोचो अगर सारे ओनर्स मिले हों एक दूसरे से, फिर सोच पा रहे हो आप, सोच पा रहे हो? इस तरीके से आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि क्या पता सच में सारे ओनर्स मिले हों? बस मैं इतना कह रहा हूं कि अगर एक कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है, हमने उसकी अगर तारीफ कर दी, तो इसमें गलती कहां से है और कौन सा पावर है जिसका मैं मिसयूज कर रहा हूं, जो मुझे नहीं पता कि वो पावर मेरे पास है, और आपको हर बार अपनी स्ट्रीम पे आके ये चीज एड्रेस करने की क्यों जरूरत पड़ती है? ये कोई पहली बार तो नहीं है जहां पर आप बोल रहे हो कि इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको वैसा नहीं, वो आप सारी ऑफिशियल चीज के ऊपर छोड़ दो ना यार, ऑफिशियल्स देख रहे हैं, ऑफिशियल 10 लोग ऑलरेडी बैठे रहते हैं।